विवादास्पद मलयालम फिल्म एस दुर्गा को सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने बिना किसी कट के पास कर दिया है। पूरी फिल्म देखने के बाद रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया। पिछले साल फिल्म सेक्सी दुर्गा को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद इस फैसले का निर्माताओं द्वारा काफी विरोध हुआ। अब फिल्म के निर्देशक सनल शशिधरन ने कहा है, खुशी की बात यह है कि फिल्म बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा सकती है। फिल्म मेकर ने पहले अपना पक्ष रखने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सनल कुमार शशिधरन ने कहा, रिवाइजिंग कमेटी ने UA सर्टिफिकेट दिया है। पहले भी उन्हें फिल्म से कोई परेशानी नहीं थी, कोई कट नहीं लगाया था, अब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक शपथ पत्र में ये कहूं कि मैं पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए फिल्म का स्वीकृत वर्जन इस्तेमाल करूंगा। शशिधरन ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का नया पोस्टर भी रिलीज किया है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।